वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंडियाज बिगेस्ट एक्शन ड्रामा यानी कि ट्रिपल आर मूवी के ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। यस, जिसका कि सबको इंतजार था। पता नहीं कितने दिनों से बहुत सारे मैसेज वगैरह आए थे। हम लास्ट वीडियो में आपको वैसे तो बता दिए थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से 20 तारीख के बाद दे आर एलिजिबल। 20 तारीख से ही द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर एलिजिबल टू शोकेस ट्रिपल आर मूवी ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स। Z5 पे इसके जितने भी साउथ वर्जन है यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारे के सारे हैं, और नेटफ्लिक्स पे इसका हिंदी वर्जन है। और कोई भी वेट नहीं करेगा ज्यादा। अगर आपको पता है कि आप 20 तारीख से अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रिपल आर मूवी दिखा सकते हो तो फिर क्यों ही वेट करना है। इसलिए हम आपको बोले थे कि 20 या फिर 27 टेंटेटिव है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है 20 तारीख के। और अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कल। वैसे तो प्रॉपर एकदम ट्रेलर के साथ आ जाएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि 20 तारीख को Z5 पे सारे ही वर्जन आपको प्रीमियर होते दिखेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल हो चुका है। पोस्टर्स वगैरह देख रहे होंगे, ग्लिम्सेस वगैरह, टीजर वगैरह देख रहे होंगे कि इंडिया बिगेस्ट एक्शन ड्रामा नाउ ऑन Z5। सो फाइनली अब आ चुका है। 20th of May इज द डेट जब आप ये एक्शन एक्स्ट्रावेगेंजा जो है जो हमने थिएटर्स में विटनेस किया है, क्या रेज था जब ट्रिपल आर निकली थी। चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हो, रिव्यूज हो, इंडियन हो, इंटरनेशनल हो, हर जगह से पीपल वेयर इन ऑ ऑफ दिस मूवी। और अब बारी है उसको, जो भी सीन आपका मन है, जिस भी समय पे, जो भी सीन जितने बार मन है आप जाके देख सकते हो, क्योंकि नाउ इट इज अवेलेबल ऑन OTT। सो फाइनली अब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। और हिंदी वर्जन को लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस है, हिंदी वर्जन को लेकर सवाल है, क्योंकि उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, नेटफ्लिक्स के पास है, लेकिन जो बुक माई शो वाले हैं उन्होंने अपना स्ट्रीमिंग ऑन कर दिया है। याद है आपको पिछले वीडियो में हमको बताए थे कि पे पर व्यू मॉडल का बात हो रहा है अभी ट्रिपल आर के लिए, तो ये वही है जिसमें आप रेंट कर सकते हो मूवी और उसके बाद फिर ये जो है फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे। तो अभी देखते हैं वो कब आता है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मेरे मानो तो एक बार जाके Z5 में सबटाइटल्स के साथ तेलुगु वर्जन जरूर देखना, क्योंकि जिस लैंग्वेज में फिल्म बनती है उस फिल्म का बात, उस लैंग्वेज का बात कुछ और ही होता है उस वर्जन का। सो एक बार आप जाके देखना जरूर, आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपने हिंदी वर्जन देखा है तो ऑब्वियसली थिएटर वाला एक्सपीरियंस तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो आपका इन्हेंस हो जाएगा, जो जिस तरह के एक्सप्रेशन आपको नजर आएंगे, जिस तरह का इमोशनल टच आपको नजर आएगा ना वहां पे, वो थोड़ा सा एक लेवल क्या दो तीन लेवल अप हो जाएगा हिंदी से। तो क्योंकि रामचरण, जूनियर एनटीआर सब ने अपने वर्जन्स खुद ही डब किए हिंदी में, तो हिंदी में अभी लोग उतना यूज्ड नहीं है, लेकिन तेलुगु उनकी मातृभाषा है, तो उसमें आपको एक अलग ही लेवल का मतलब गूज़बम्प्स देखने को मिलेगा। सो जरूर जाके चेकआउट करना एक बार तेलुगु वर्जन सबटाइटल के साथ। और कितने एक्साइटेड हो ट्रिपल आर को देखने के लिए जरूर बताना, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तब आके शेयर कर दो, सबको पता चल जाना चाहिए कि 20 तारीख को ट्रिपल आर आ रहा है। और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।